मेजर जनरल जेके बंसल जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर मेंबर एनडीएमए। सर, अब बस खुशी की खबर किसी भी पल मिल सकती है, लेकिन मैं आपसे भी ये समझना चाहती हूँ, ये पूरा मतलब क्या हमें तारीफ करनी चाहिए एक देश के तौर पर भी अपनी, क्योंकि हमने इंटरनेशनल अथॉरिटीज तक को बुला लिया, हमने क्या नहीं किया, और 17 दिनों के भीतर एक पहाड़ काटकर और उसमें से 41 मजदूरों को अगर आज हम 17 दिनों के भीतर बाहर निकाल रहे हैं, भले हम ये कहें कि इतना डिले हो गया, लेकिन जहां पर मशीनें फेल हो गई वहां पर मैनुअल ड्रिलिंग काम आई, ये काबिले तारीफ है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने पहले भी एक कुछ टीवी चैनल पर कहा था कि जब ये मशीन 4 बार खराब हुई, जब 1-2 बार ही खराब हुई थी तो इसको अल्टरनेटिव जो ये रेट डिगिंग का किया है, और जिसमें हमारे आर्मी के जवान जो मद्रास सैपर के आए हैं उन्होंने जो काम किया है, मशीन को भी निकाला, फिर ऊपर से जो उन्होंने अभी जो टनल को आगे खोदा है जो उसको पाइप को, तो ये काम पहले हो जाना चाहिए था। और ये काम जो है अभी भी जितना अंदाजा लगाया गया था उससे भी जो पहले ही हो गया है होने जा रहा है। तो अब जो कहीं जहां मशीनें फेल हो जाती हैं वहां पर जो ह्यूमन बीइंग जो उनकी जो एक स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन नहीं देख पाती है कितना बड़ा बोल्डर है, कितना बड़ा सरिया है, कितना बड़ा गडर है, जबकि ह्यूमन बीइंग देख पाते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो उसको देखते हुए वहां पर जो लेजर कटर और जो प्लाज्मा कटर थे उन्होंने निकाला बाहर सारी चीजों को, और जो ये रेड डिगिंग हुई है इससे जो जवान, क्योंकि हमारे जो ये इंजीनियर रेजिमेंट के जवान होते हैं इनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, बड़ी स्किल होती है, एक्सपर्टीज होती है, युद्ध के मैदान में माइंस बिठाते हैं, माइंस को निकालते हैं, पुल बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, पुलों को कहीं दुश्मन के पुल तोड़ना पड़ता है, या अपने लिए इनको बहुत एक्सपीरियंस है। इटली जो है जी बाहर आ जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो स्ट्रेचर है उसके ऊपर व्हील लगे हुए हैं और उन व्हील के ऊपर में जो उनको लिटा के लाया जाएगा, और जो दूसरा एनडीआरएफ के लोग हैं वो क्राउलिंग करते हुए उस व्हील को या उसको धकेलते हुए लेके आ जाएंगे। और इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस है यहाँ पे 41 एम्बुलेंस का पहले इंतजाम है, बेड्स हैं, तो उनको जो उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। मैं एक डॉक्टर भी हूँ, क्योंकि उनकी मनोदशा भी अभी तक तो ठीक बनी हुई है, लेकिन एकदम आने के बाद में वो थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स की टीम और जो एम्बुलेंस वो पहले से तैयार है। सर, मुझे ये रेट माइनर्स के बारे में जरा इस टीम के बारे में जानकारी दीजिएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस बीच हम लगातार दिखा रहे हैं, देखिए मूवमेंट एक बार फिर यहाँ आपको एम्बुलेंस की देखने को मिली है, और जैसे ही कोई मूवमेंट देखने को मिलता है वैसे ही वहां उत्सुकता जो है बढ़ जाती है, चेहरे बस टनल की तरफ एक टक लगे हुए हैं। हम राहुल भी उनके पास चलेंगे वहां से कि आगे क्या क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है जैसे ही वो निकलेंगे मजदूर। लेकिन ये रेड माइनस टीम कितना बड़ा दल है सर ये, और कितनी ज्यादा दक्ष होते हैं ये अपने काम को करने में, मतलब आपने जैसा कहा कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़कर इन्होंने काम किया है, तेज गति से काम किया है। तो उसमें क्या है कि ये जो है इनको इस चीज का एक्सपीरियंस है, जैसे रैट होता है वो थोड़ा थोड़ा करके कुतुर कुतुर के चीजों को निकालता है, तो इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने खोदा और जो भी इनके बीच में जो सामने कुछ बाधा आई उसको दूर किया। और ये गाइडेंस दो टीम्स ने मिलकर किया है, एक तो जो ये स्पेशल जो रैक के खुदाई रैक माइनर जो डिगर थे, ये मेरे ख्याल से बुंदेलखंड से उस एरिया से आए थे, झांसी या वहां से, और इन्होंने काम किया अंडर सुपरविजन ऑफ जो गाइड कर रहे थे या जो मेन प्रॉब्लम थी या जो हर्ड 11 को दूर कर रहे थे हमारे सेना के इंजीनियर्स रेजिमेंट के मद्रास साइपर के लोग, तो वहां पे वो देखते थे कि कितना बड़ा गडर आ रहा है, छोटे छोटे टुकड़े करके उन सब चीजों को बाहर निकालते रहे, और वो अब जो है काफी प्रोग्रेस करके बहुत ही थोड़ा सा जी। और ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि बारिश के टाइम में जो ऊपर से वर्टिकल ब्रीडिंग जो ड्रिलिंग हो रही है उसमें बड़ी प्रॉब्लम या बाधा आ सकती है। और उसने ये भी कहा था कि 70 मीटर्स पे जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी जो पैरेलल जो छोटी वाली उसके अंदर पानी आ गया था, तो इन चीजों को देखते हुए ये जो रास्ता है इसमें जो क्या है ये बहुत अच्छा है, और अभी बहुत उम्मीद है और जल्दी वो लोग बाहर आ जाए। इतना तो कहना पड़ेगा, कुदरत भी मेहरबान रही, शायद ईश्वर भी साथ पूरी तरीके से दिया कुदरत ने भी, और इसलिए देखे नहीं तो ये जो बारिश आज देखने को मिली। अगर सोचिए पहले हालात बिगड़ते, मौसम अगर खराब होता क्या कुछ हो सकता था, ये सोचकर सहना पैदा हो जाती है, लेकिन स्थितियां अंडर कंट्रोल।